Greetings. I am Priya Tyagi, the Managing Trustee of NGO Flame of Life. NGO Flame of Life was formed on 15 March 2012 in Maharashtra, Mumbai. Today I am talking on gender discrimination in our society. मेरे मन में कई सवाल हैं जो हमेशा उठते रहते हैं. हम आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं नारी सशक्तिकरण का. क्या नारी सच में सशक्त हो रही है हमारे समाज में? जी नहीं. नारी जैसे ही जन्म लेती है उसके लिए कायदे कानून बन जाते हैं. लड़की है तो घर का पूरा काम उसे ही करना है. घर का बर्तन मांजना है और झाड़ू भी मारना है, कपड़े भी सारे घर का धोना है. लड़कों के लिए ऐसी कोई सिस्टम कानून नहीं है. सारे कानून सिर्फ लड़कियों के लिए ही होते हैं. क्यों, ऐसा क्या है जो लड़के अगर झाड़ू मारे तो वो क्यों, लड़का क्यों झाड़ू मारेगा, वो लड़की है क्या? ऐसे माँ बाप भी सवाल करते हैं. यहीं से शुरू होता है नारी का दमन. लड़का बर्तन नहीं धोएगा, वो कोई लड़की है क्या? तो सिर्फ लड़कियां ही बर्तन धोएगी. क्यों, लड़कियों के नाम पर ये बर्तन धोने का ठिकरा कहाँ से आया, किसने लिखा, कहाँ लिखा और क्यों लिखा? लड़कियां भी पढ़ रही हैं, कुछ करना चाह रही हैं, कुछ बनना चाह रही हैं, पर अगर वो घर पर है तो माँ भी कहेंगी कि उसे घर का काम करना है क्योंकि वो लड़की है. सामने लड़का टाइम पास करता रहेगा पर वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो लड़का है. आखिर हमारे समाज में ये कब तक चलेगा? अब वक्त आ गया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का. हमारे समाज में लड़के लड़कियों को इक्वली समाज को अपनाना होगा. लड़के लड़कियों के बीच का भेदभाव घर से ही खत्म करना होगा, तभी ये खत्म होगा. शादी के बाद भी लड़की को ससुराल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है. पति चाहे कैसा भी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कमाता हो, न कमाता हो, उसे बचपन से ही इसके दिमाग में ये भर दी जाती है कि पत्नी की दुर्दशा करना ही पति धर्म होता है. इसीलिए वो बात बात पर पत्नी को पीट देता है, टॉर्चर करता है, उसे न बात करने की धमकी देता है. डोमेस्टिक वायलेंस हर घर की कहानी है. इतने सारे केसेस देखती हूँ. नारी रोती बिलखती पुलिस स्टेशन आती है पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेन करने, पर धीरे धीरे वही नारी समाज के दबाव में कहाँ जाएंगे ये सोचकर धीरे धीरे वो उस केस को भुलाकर डोमेस्टिक वायलेंस को झेलने के लिए मजबूर हो जाती है. क्या ऐसे में देश में समाज में नारी को अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का हक मिलेगा? ये एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जो घर के हर परिवार के हर सदस्य को समझना होगा, समाज में लोगों को समझना होगा, खास करके उन पतियों को जो अपने पत्नियों पर जुल्म करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं. उस वक्त उनकी आत्मा कहाँ चली जाती है, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं, वे कैसे भूल जाते हैं कि इस नारी ने उन्हें उनके सुख के लिए अपना सुख त्याग कर दिया है. इस बात को पतियों को समझना होगा. आज उन्हें अपनी पत्नी को सम्मान देना ही होगा. पुरानी बातों से, पुराने जमाने की बातों से बाहर निकलना होगा कि नारी अत्याचार ही पति धर्म होता है. नारी अत्याचार पति धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो नारी देवी का दर्जा प्राप्त है हमारे धर्म में, हमारे समाज में, पुरुष प्रधान, सारे लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनका व्रत रखते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घर में माँ लक्ष्मी के आने की कामना करते हैं, उन्हें ये कभी याद नहीं रहता कि माता दुर्गा को महादेव ने कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया था, माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया था. तो उनके फॉलोअर होकर वे क्यों करते हैं, उन्हें भी समझना होगा कि माता रानी सिर्फ माता रानी एक स्टैचू या एक मूर्ति नहीं होती, वो आपके घर में सजीव है, वो है आपकी पत्नी के रूप में. जब आप अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हो तो माता रानी भी प्रताड़ित होती है. आपको ये समझना होगा पति देव, समाज में जितने भी पति देव लोग हैं उन्हें ये बात समझना होगा कि उनकी नारियां, उनकी पत्नियां माता दुर्गा, माता काली, माता सीता
और माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, और जब वो उनको प्रताड़ित करते हैं तो वे देवियां कभी भी उन पर खुश होकर उनके घर में विराजमान करने नहीं आएंगी, चाहे वो कुछ भी पूजा पाठ कर ले। और हमारे समाज में ये समझना बहुत ही आवश्यक है, हमारे समाज में हर उस सास ननद को भी समझना होगा कि घर की बहू भी उनकी तरह ही एक नारी है, और उनके अंदर भी माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता सरस्वती, माता सीता, माता काली का वास है। वो भी इस कार्य में अपने अपने बेटे या अपने भाइयों के साथ ना जुड़े और उन्हें रोके कि ऐसा करना सही नहीं है, हमारे घर लक्ष्मी नहीं आएगी। अगर हम लक्ष्मी को ही प्रताड़ित करेंगे तो घर में लक्ष्मी कहाँ से आएगी? जब आप लक्ष्मी को ही प्रताड़ित करोगे तो माता लक्ष्मी भी देखती है कि इस घर में जहाँ उनकी इतनी दुर्दशा हो रही है, वो उस घर में क्यों आएंगे। आइए आज हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करें कि नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नो डोमेस्टिक वायलेंस, नो वुमेन शुड बी ट्रीटेड इनइक्वली, वी ऑल आर इक्वल। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून। इफ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद।